दोस्तों सबसे पहले आप मेरे इस जम को देखो, दोस्तों आपने मेरे इस जम को देखा होगा। दोस्तों आज मैं आपकी लॉन्ग जम्प क्लियर करवा के ही रहूंगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर ये रनवे है, यहाँ पर दोस्तों आप रनिंग करके आते हैं, यहाँ पर रनिंग करने के बाद यहाँ से आप आने के बाद यहाँ से टेकअप लेते हैं और फिर आगे जंप लगाते हैं। तो दोस्तों आपको ये अप्रोच कैसे लेना है, आपका जो फॉल होता है इधर उसको क्लियर कैसे करना चाहिए, यहाँ से टेकऑफ कैसे लेना चाहिए, कौन सी जंपिंग ड्रेस करनी चाहिए जिससे आपकी लॉन्ग जंप इम्प्रूव होगी। और दोस्तों मैंने खुद 7 मीटर प्लस जंप लगाई है और उसके एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना, आपकी जंप 100% इम्प्रूव होगी, चाहे आपके 4 मीटर हो, 5 मीटर हो या 6 मीटर हो। तो सबसे पहले हम अप्रोच देखेंगे। तो दोस्तों आपका जो फॉल होता है उसको निकालने के लिए क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर जिस पैर पर आप लॉन्ग जंप लगाते हो उस पैर पर यहाँ पर टेक ऑफ बोर्ड पर रखना है और यहाँ से आपको रन करना है। जितने स्पीड से लॉन्ग जंप लगाते हो उतने स्पीड से आपको रन करना है। और यहाँ पर दोस्तों आप स्टेपिंग लेंगे, 12 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं या 16 ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी यहाँ पर ऐसा पैर आ गया 12 स्टेपिंग पर। दोस्तों यहाँ पर मेरा यही पड़ेगा, वहाँ पर मैंने यही पैर रखा था दाया, यहाँ पर भी वो पैर आ गया। दोस्तों यहाँ से हम जंप लगाएं, यहाँ से आप जब रन लगाओगे तो वहाँ पर दोस्तों यही पैर आपका आएगा। दोस्तों ये आपको ट्राई करना है और दोस्तों इसको नापना है। इसको आप कैसे नाप सकते हो, देखो यहाँ पर ऐसे आप ऐसे भी नाप सकते हो, 1 2 3 4 इस तरह से। नहीं यहाँ पर देखो, नहीं तो आप मीटर टेप से भी नाप सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे टेकऑफ बेल्ट को पीछे यहाँ पर आपको टेप लगानी है और यहाँ से आपको ऐसे नापना है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको ऐसे नापना है, जितना डिस्टेंस होता है उसको दोस्तों आपको फिट रखना है। इस तरह से आपको दोस्तों नाप सकते हैं। वहाँ से आप दोस्तों जंप लगाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद ऐसे आप टेक ऑफ लगाते हो, ऊपर जाते हो, दोस्तों समझो आपका यहाँ पर पैर नया गया, यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर जितना आपका फॉल रहा है उतना स्टेप आपको, ये जितना ये जो फुट है उतना आपको वहाँ पर पीछे रखना है। वहाँ पर दोस्तों आपका ऐसा टेक ऑफ 100% आपका जो अप्रोच है उसको सेट होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको अप्रोच लेना है। अब देखते हैं हम दोस्तों टेक ऑफ ड्रेस कैसे लेने हैं, हमें जंपिंग ड्रेस कौन सी करना है, उससे आपका जंप इम्प्रूव होगा और आपका 100% जंप, सभी जंप आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रॉड जंप। दोस्तों लॉन्ग जंप बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, इसको आपको कैसे करना है देखो। यहाँ पर दोस्तों हमें दोनों हाथों को ऐसे जर्क लेना है और जर्क लेने के बाद दोस्तों हमें दोनों घुटनों को ऐसे ऊपर उठा के हमें ऐसे होल्ड रखना है। और इस एक्सरसाइज की दोस्तों आप 7 या 8 रेपिटेशन लगाएंगे और हफ्ते में आपको 2 बार इस वर्कआउट करना है, सभी वर्कआउट को आपको 2 बार करना है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम सिंगल लेग हॉप पर लगा के ऐसे दोस्तों आपको हॉप लगानी है और यहाँ से उसी पैर पर हमें जंप लगानी है, जिससे आपके लेग में पावर आ जाएगा और आपकी जंप इम्प्रूवमेंट होगी, 100% जंप बढ़ेगी। और ऐसे आपको दोनों पैर पर करना है, दोनों लेग के दोस्तों आपको 2 या 3 सेट कर सकते हैं, दोनों लेग के 2-2 सेट कर सकते हैं। आपको सिंगल लेग हॉप करना है और उसके बाद से एक स्टेप लगानी है और फिर जंप करना है इस तरह से। दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहना आपको, और दोस्तों आपको इसको करना ही करना है, तभी आपकी जंप बढ़ेगी। इसको आप 3 या 4 बार कर सकते हैं। फिर हमें बाउंडिंग करके जंप लगानी है। हम और बाउंडिंग कैसे करना है देखो, हमें बाउंडिंग करके आगे जंप लगानी है और दोस्तों आपको दोस्तों नी को ऊपर उठाना है। आप जब बाउंडिंग करते तब दोस्तों आपको नी को ऊपर उठाना है, फिर जंप लगानी है। फिर एक्सरसाइज होने के बाद हम कुछ जंप करेंगे। हमें ऐसे दोस्तों 2 स्टेप पर जंप लगानी है इस तरह से, हमें सिर्फ 2 स्टेप पर ही जंप लगानी है। इसको आप 4 या 5 बार करेंगे, फिर उसके बाद 3 स्टेप पर लगाएंगे। ऐसे आपको 3 स्टेप पर आना है और ऐसे जंप लगानी है, जिससे आपका लॉन्ग जंप जल्दी बढ़ेगा दोस्तों।